नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका एक ऐसा देश जिसके लिए अगर हम दादागिरी जैसे शब्द का इस्तेमाल करें तो शायद गलत नहीं होगा। वो चाहता है हर एक देश उसकी हर एक बात माने, ऐसा काफी बार देखने को भी मिला है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों ईरान ने अमेरिका का एक मानव रहित ड्रोन मार गिराया था। ड्रोन को मारने के बाद ईरान का ऐसा कहना था कि अमेरिकी ड्रोन ने उसकी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसे मार गिराया। लेकिन अमेरिका ईरान के बिल्कुल विपरीत बोल रहा था और बेहद कड़ा रुख अख्तियार किए हुए था। अमेरिका ने तो उसके ड्रोन को मार गिराने के बाद युद्ध तक की धमकी दे डाली थी। धमकी मिलने के बाद ईरान भी कहां चुप बैठने वाला था। ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि वो आगाज तो नहीं करेगा, लेकिन अगर युद्ध का आगाज होता है तो अमेरिका इसके अंजाम के लिए तैयार रहे। ये तो पुरानी बात है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। जी हाँ, अब अमेरिका ने ईरान का एक ड्रोन मार गिराया है और ईरान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी सीमा में घुसपैठ बर्दाश्त के बाहर है। तो चलिए आपको इस घटना से रूबरू कराते हैं। अमेरिका ने आखिरकार ईरान से बदला ले लिया। अमेरिकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। कुछ हफ्ते पहले जब ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था, तब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ही ऐलान कर दिया था। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि होर्मुज जल डमरू मध्य में प्रवेश कर रहे एक यूएस युद्धपोत के लिए खतरा बने ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि अमेरिकी सेना ने पहली बार सीधी मुठभेड़ को अंजाम दिया है। ट्रंप ने बताया कि असॉल्ट शिप यूएसएस बॉक्सर ने अपना बचाव करने के दौरान ईरानी ड्रोन पर हमला किया, क्योंकि ईरान का ड्रोन अमेरिकी शिप और उस पर मौजूद क्रू को चुनौती दे रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि बॉक्सर के हजार यार्ड्स के दायरे में आते ही ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी ड्रोन को मारने के बाद जो ईरान के तेवर थे, अब वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े इस तनाव के बाद अब ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। रूहानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अगर अमेरिका उसके ऊपर लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंध हटा देता है तो वो बातचीत करने के लिए तैयार है। रूहानी ने कहा कि अमेरिका उसे इस तरह से धमकाना बंद करे। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान को ये तक कह दिया है कि हम तुम्हें परमाणु हथियार कभी नहीं हासिल करने देंगे। बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर हर तरह के परमाणु हथियारों की पाबंदी लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात, ईरान जो तेल दूसरे देशों को निर्यात करता है, अमेरिका ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अब इसे दादागिरी ना कहें तो फिर क्या कहें।